गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। बच्चे, आज हम लास्ट कंजक्शंस के लास्ट ऑल दो एंड दो के एग्जांपल्स करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि आपको कुछ एग्जांपल्स खुद से भी फ्रेम करने हैं। ठीक है, सो हैव अ लुक। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑल दो के लिखे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दो के लिखे हैं। बट बिफोर एनीथिंग एल्स मैं आपको एक चीज बता दूं, दैट ऑल्दो एंड दो बोथ आर यूज्ड as the same meaning, they have same meaning and they are used for the same sentence। ठीक है, ये same sentence में भी use हो सकते हैं। Just like till and until, जैसे हमने till और until को use किया था वैसे हम इन्हें भी use कर सकते हैं same form में। ठीक है, इनका meaning कोई different नहीं है, although and though are used for the same purpose। okay, तो examples देख लेते हैं हम कुछ although के। first example देखो, वही three examples मैंने लिखे हैं, two आप खुद से लिखोगे, क्योंकि अगर मैं आपको five लिख के भी दे दूंगी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप लोग खुद से कुछ नहीं बनाओगे। और अब आपको सेम नोटबुक मेंटेन करनी है जैसे मैं मेंटेन कर रही हूं। ठीक है, तो ऑल्दो का फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं हम। ऑल्दो इट इज अ स्मॉल टाउन, देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल। ऑल्दो हमने किस लिए यूज किया, कि हालांकि ये एक छोटा सा टाउन है, देयर आर फिर भी यहां बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। तो ऑल्दो हमने यूज किया, सॉरी, टू एड टू सेंटेंसेस लाइक ऑल्दो इट इज अ स्मॉल टाउन, देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल। टू सेंटेंसेस थे, उनको एक तरह से कंबाइन करने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमने ऑल्दो वर्ड का यूज किया। तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि ऑल्दो इट इज अ स्मॉल टाउन, हालांकि ये एक छोटा सा टाउन है, देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है, ऑल्दो इट रेन्ड ऑल डे वी एंजॉयड द फुटबॉल मैच। हालांकि पूरा दिन बारिश होती रही पर फिर भी हमने मैच को इंजॉय किया, फुटबॉल मैच को हमने इंजॉय किया। समझ आई? एंड द थर्ड वन आल्सो जस्ट सेम, ऑल्दो द रूम वाज डार्क, हालांकि रूम में अंधेरा था, ही डिड नॉट फील अफ्रेड, बट फिर भी उसे डर नहीं लगा। ठीक है, तो इन थ्री सेंटेंसेस में हमारे जो मेन क्या था वो था ऑल्दो। ठीक है, और ऑल्दो से रिलेटेड मैंने आपको थ्री सेंटेंसेस बना के दिखाए, टू आपको खुद के लिए, आपके लिए स्पेस छोड़ दिया कि आप खुद से बनाओगे। ठीक है, तो ये हमारा समझ आया ऑल्दो कहाँ यूज होता है, जस्ट इन द सेम वे। ऑल्दो के साथ ना दो भी सेम तरीके से यूज होता है, दो माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड ही इज हेल्दी, हालांकि मेरे दादाजी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, He is healthy, पर फिर भी वो healthy हैं। ठीक है, ऐसे ही second, the phone wake me up, फोन ने मुझे उठाया, even though it wasn't very loud, हालांकि वो तेज आवाज में नहीं बजा, अलार्म होगा पर वो तेज आवाज में नहीं था, लेकिन still उसने मुझे जगा दिया।
Though it was very late, हालांकि बहुत लेट हो चुका था, the students kept studying, students फिर भी पढ़ते रहे. तो आपको जब मैंने सेंटेंस में मीनिंग बताए तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि although and though both are used as the same meaning, दोनों सेम मीनिंग के तौर पे यूज होते हैं, जस्ट लाइक किसकी तरह, टिल और अनटिल की तरह. समझ आई? अब यहाँ पे हम लोग कंजंक्शंस को पैकअप करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, विच इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता क्या है और इसके आपको अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको अपनी नोटबुक में ही मेंटेन करने हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.